इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर मोदी शाह योगी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा। अब भाजपा का काफिला फिर हिंदू मुस्लिम खेल खेलने के लिए हैदराबाद का रुख कर चुका है। अब हैदराबाद के बल्दिया इंतखाबात में भी बाबर बिन लादेन का जिक्र होना शुरू हुआ। किसी तरह देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने का शायद इन्होंने मुनज्जम इरादा कर ही लिया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाजपा को यहाँ पर ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लिहाजा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मजहबी तकसीम का पैगाम देश को देना इनका मकसद है। वैसे भी यहाँ TRS की हुकूमत है और MIMS 7 सीटों पर कामयाब होती है, लिहाजा बल्दिया इंतखाबात में पिछली मरतबा TRS ने तकरीबन 100 और MIM ने 44 सीटें जीती थी। पर इस बार कॉरपोरेशन चुनाव में खुद प्रधानमंत्री और वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री को लेकर मीडिया के साथ चुनाव में उतरे ताकि इस चुनाव को MIM वर्सेस भाजपा करे। वैसे भी मीडिया भाजपा इत्तेहाद तो अपने खिदमात ईमानदारी से अंजाम देता रहेगा। आपने इससे पहले यानी बिहार में भी देखा होगा कि 74 सीटों पर जीत हासिल करने वाला तेजस्वी यादव इन्हें नजर नहीं आ रहा था, पर 5 सीटों पर जीतने वाली MIM को बार बार मीडिया में लाया जा रहा था। और शायद तारीख में ही ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कॉरपोरेशन चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक के तेजस्वी सूर्या, JP नड्डा और भी दिगर भाजपा के लीडर ने हैदराबाद में डेरा डाले हैं। आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या है, इसका जायजा आवाम को लेना होगा। क्या खासियत है इस चुनाव में, तो समझ में आ रहा है कि मीडिया के जरिए इस चुनाव को हिंदू पार्टी वर्सेस मुस्लिम पार्टी करना चाहती है भाजपा। हिंदू पार्टी तो MIM, मुस्लिम पार्टी और यही एजेंडा पूरे देश में चलाया जाने की बात कही जा रही है, ताकि इस देश में यूं ही हिंदू मुस्लिम चलता रहे। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि हर बात में छोटे बड़े मसाइल पर डिबेट के लिए सिर्फ OAC को ही बुलाया जाता है। अब देखा जाए तो MIM के सिर्फ 2 रुकने पार्लियामेंट है, वही TRS के 9 है। पर मीडिया कभी बतौर विपक्ष TRS से राय नहीं लेगा, मीडिया का माइक OAC के पास ही जाएगा। तमाम विपक्ष को दरकिनार करके OAC को ही विपक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। आंध्रा, तेलंगाना में MIM के अलावा और भी दिगर ताकतवर लीडरान और दिगर पार्टियां हैं, पर दिखाया सिर्फ OAC को जाता है। इसके पीछे की सियासत को समझने की जरूरत है। OAC मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब भाजपा विरोधी या मोदी विरोधी, इस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है। दूसरी तरफ यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि अगर इस देश में तुम्हारा कोई मुहाफिज है या फिर तुम्हारी आवाज़ कोई बन रहा है या कोई ताकतवर लीडर है तो वह सिर्फ OAC है। अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल जैसे चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे स्टार नेता को प्रचार में उतारा गया है। भाजपा के पास यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन बताने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे योगी ने कल अपने इजलास में कहा कि जब फैजाबाद अयोध्या बन सकता है तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं बन सकता। इस बयान पर OAC ने पलटवार करते हुए कहा कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जाहिर है पिछले चुनाव में 4 सीट जीतने वाली भाजपा इस बार 40 तो नहीं जीत सकती, पर अगर वह 10 का भी आंकड़ा छू लेती है तो भाजपा का मीडिया इसे भाजपा की जीत के तौर पर ही बताएगा। वो बताएगा कि OAC के गढ़ में भाजपा की तारीखी जीत हासिल हुई है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर TRS की हार या जीत को शायद ही मीडिया में जगह मिल पाए, क्योंकि इससे भाजपा का मुस्लिम पार्टी बनाम हिंदू पार्टी का एजेंडा कामयाब नहीं हो सकता। वही इसके बाद बंगाल चुनाव है, वहां पर भी रोहिंग्या, बांग्लादेश, घुसपैठ पर बयानबाजी अमित शाह करते दिखाई देते रहते हैं। हैदराबाद में भी रोहिंग्या की बात कही जा रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 75,000 रोहिंग्या दाखिल होने की बात इन्होंने कही। सवाल तो मरकजी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत पर उठाना चाहिए कि अगर रोहिंग्या दाखिल हो भी रहे हैं तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है, उन अफसरान पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती जो इन बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड फराहम कर रही हैं। कल ही मंगलोर के रिहायशी इलाके के अपार्टमेंट की दीवार पर लश्कर ए तैयबा और तालिबान की हिमायत में अंग्रेजी में जुमले लिखे गए। FIR तो दर्ज की गई है। कहने का मतलब एक साजिश जारी है ताकि इस पैगाम के जरिए अवाम में मुसलमानों को लेकर बदगुमानियां
नफरत फैलाने की कोशिश की जाए। वहां की मुस्लिम जमातों ने इसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए असल मुजरिमों को पकड़ने की मांग की है। पर क्या मुजरिम पकड़े जाएंगे या फिर किसी मजहब के बारे में नफरत का जहर पैवस्त करना यही मकसद हो सकता है? लिहाजा मुस्लिम समाज को बड़े ही संजीदगी से फैसला करने का वक्त आन खड़ा हुआ है। यकीनी तौर पर तमाम सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आज भी मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुई है। भाजपा अपनी कोशिश में लगी हुई है। जरूरत है कि भारत के संविधान को और मजबूती से थामने की। एकता भाईचारा ही इस देश की बुनियाद है, जिस पर जिस तरह मुस्लिम माशरे की जिम्मेदारी है कि जमहूरियत की बका के लिए जद्दोजहद करे जैसे पहले से करते आए, उसी तरह अक्सरियत हिंदू माशरे को भी धर्म की आड़ में नफरत की आग लगाकर सियासी रोटियां सेकने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं, अगर एक भी आंख जख्मी होती है तो देश अंधा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भी मुल्क के हर शहरी की होगी। इसका ख्याल हम सबको रखना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।